हेलो बच्चों बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित मंथन में जो आपका पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं। तो इसमें बच्चों परिमेय संख्याओं का जो योग होता है, यानी जोड़ होता है, वो साहचर्य प्रगुण, देखिए लिखा है ना, साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। और यह साहचर्य प्रगुण होता क्या है यह भी आप देख लीजिए। देखिए इसमें साहचर्य प्रगुण जो है वो बताता है कि अगर पी बाई क्यू, R बाई एस और T बाई यू, है ना, यहाँ एक मान लिया गया है। अगर ये तीन परिमेय संख्याएं हैं तो अगर आप पहली और दूसरी को पहले जोड़ देते हैं, यानी P बाई क्यू और R बाई एस को पहले जोड़ लें और उसके बाद T बाई यू यानी तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ें, तब इसका जो योगफल आएगा, और फिर वही अगर आप पहले दूसरी और तीसरी को जोड़ दें और बाद में पहले वाले को जोड़ें, जैसा कि इस ब्रैकेट से आपको दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का योगफल जो है वो एकदम बराबर आना चाहिए। यही कहलाता है साहचर्य प्रगुण। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। और मेरा वीडियो जो CBSE बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं वो यह जान लें कि ये परिमेय संख्या है जिसको आप रेशनल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, चलिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप ही की पाठ्यपुस्तक का एक एग्जांपल दिया है कि उदाहरण एक दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगफल को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए पहला सवाल और ये जो दूसरा सवाल आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में संख्याएँ तो वही है, खाली उनका क्रम बदला है। देखिए पहले वाले में लिखा है -2/3 +3/4, इसको बड़े वाले कोष्ठक में किया है और फिर +1/-5 लिखा है, और दूसरे वाले में -2/3 को बाद में किया है, बड़े वाले ब्रैकेट में 3/4 और 1/-5 को किया है। तो हम लोग इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि दोनों बराबर आते हैं, और अगर दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्याओं का योगफल साहचर्य प्रगुण को यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ दोनों सवाल लिखे, पहले हम लोग पहले वाले का हल करते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल आपका है कि -2/3 +3/4, ठीक है, ये बड़े वाले ब्रैकेट में था, और +1/-5, ठीक है। अब देखिए तो आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे जो कि 12 आएगा, और यहाँ आपका आ गया 3 चौक को 12 और 4 2 8, ये हो गया -8, और ये हो गया 4 3 12, 4 3 12 3 3 9, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और ये इसको आप 1/-5 लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/12, है ना, ये हो गया 1/12, और प्लस ये हो गया 1/-5, ठीक है। अब इसको आपको पता है, इसको 1/-5 या -1/5 भी लिख सकते हैं, और 5 और 12 का जो लघुत्तम होगा वो होगा 60। कितना होगा बच्चों? 60 है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 12, और वो भी माइनस साइन के साथ, ठीक। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -7/60, यानी -7/60, ठीक है। तो पहले का आंसर आ गया -7/60। अब चलिए हम लोग दूसरा वाला करके देखते हैं। दूसरे वाले में आपने लिखा है कि सेकेंड वाला, है ना, क्या लिखा है आपने दूसरे वाले में, -2/3, इसको बाद में जोड़ना है, पहले किसको जोड़ना है, पहले हम लोग को 3/4 को और 1/-5 को जोड़ना है, क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट में है। तो अब इधर देख लीजिए, जब आप अगले लाइन में इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 20, है ना, और ये हो गया 4 5 20, 5 3 15, और ये हो गया आपका 5 24 -4, ठीक है, और ये तो आपका है ही -2/3, ठीक, ये हो गया -2/3। अब इधर देखिए, इसको 15 और +-4 को आप ऐड करेंगे तो आपका जाएगा 11, ये हो गया आपका 11/20, ठीक, धनात्मक चिन्ह के साथ। अब 20 और 3 का आप LCM निकाल लीजिए जो कि 60 आएगा, और ये हो गया -40, और ये हो गया 33, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -7/60, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये -7/60 और ये भी -7/60, ठीक है। तो अब आप जरा क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, अगर इसको पी बाई क्यू, इसको आर बाई एस, इसको टी बाई यू मान लें हम लोग, तो देखिए पहले दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा, फिर तीसरी को जोड़ा, और यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ा, फिर पहले को जोड़ा, तब पर भी हमारा उत्तर क्या है, दोनों जगह -7/60 ही है, इधर भी और इधर भी।
तो बच्चों यह कहलाता है परिमेय संख्याओं का साहचर्य प्रगुण, और इसके आधार पे आप अपनी एक्सरसाइज का ये देखिए प्रयास कीजिए वाला सवाल है ना, तो प्रयास कीजिए आप ये वाला पहला और दूसरा आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। थैंक यू।